तुम हर चीज देख कर सो हाई गाइज वेलकम बैक टू द चैनल सूरज एंड शामली टीवी. हाउ आर यू गाइज टुडे? सो गाइज हम लोगों को बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे कि कट विल डू दिस लेटर. कट कट एक घंटे से लगे हुए यार, एक घंटे से कट 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 कर रही है. और मेरा नाम है सूरज. वेलकम बैक टू सूरज एंड शामवी टीवी. कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब फाइन ही होंगे. बाय द वे यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी टुडे. थैंक्स सूरज. वैसे सूरज तुमने मेरी तारीफ लास्ट पता नहीं कब करी थी. आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है सन 2008 नो सन 1900 नहीं ना. तो एक्चुअली तुम बहुत कम तारीफ करते हो मेरी, बट थैंक यू. आज मैं अच्छी लग रही हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर प्रेजिंग मी. यू मेड माय डे. ओके तो लेट्स कट टू द पॉइंट. तो आज हम क्या कर रहे हैं शामवी? ये वीडियो आज हम क्यों बना रहे हैं? तो सूरज आज हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं बिकॉज हमें बहुत सारे डीएम आ रहे थे हमारे सब्सक्राइबर्स हमारे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के. कहाँ पे? मुझे तो एक भी डीएम नहीं आया. मुझे आ रहे थे. आई विल शो यू. सो दे हैव डीएम अस दैट दे वांट टू नो हाउ डिड वी मीट. हम वैसे बहुत थोड़ा 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 करके लोगों को बताते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअली अपनी रियल लाइफ लव स्टोरी नहीं बताई. आर यू सीरियस? आप सबको ये जानना है कि हम मिले कैसे थे? यस, व्हाई नॉट. सबको जानना होता है कि कौन कैसे मिला. मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है. सो आज हम बताएंगे कि हम मिले कैसे. तो हमारी छोटी मोटी लव स्टोरी. ओके लेट्स बिगिन. सो हम मिले ऐसे थे. आफ्टर रोडी शो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम दिस प्रोडक्शन एंड 2008 की बात है. एंड आई गॉट अ कॉल, मेरा फोन बजा एंड मैंने फोन उठाया. आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी, मेरी सिस्टर की शादी थी उस वक्त. आई वाज जस्ट गेटिंग रेडी एंड मुझे फोन आया दैट हाय यू हैव बीन कॉल्ड फॉर द ऑडिशन फॉर समथिंग. आई वाज लाइक वाज इट अ शो or something. He's like, nahi, for a feature film. And I was like, oh my god, hamare pure khandan mein kisi ko media offer nahi aaya, koi picturon se dur dur ka vaasta nahi. I was like, are you serious? Kehte aapko Bombay aana padega aur hum hi aapko tickets bhejenge aur hum hi aapka pura rehne ka karenge and everything. I was like, that's fine, I should give it a try. Aur mere parents were so strict. Fir maine apne dad mom ko convince kiya and we landed to Bombay. Aur usse pehle ye hua tha ki I think for months and months maine itni sari ladkiyon ke sath audition kiya tha for the lead role, the lead actress, but हमें मिल ही नहीं रही थी for a, I don't know, for very strange reason. हमने workshop शुरू कर दिए थे without the actress, but heroine मिल ही नहीं रही थी. तो एक दिन मुझे, मैं office गया था इनके production में और वहाँ के assistant director ने मुझे शामवी की फोटो दिखाई थी. I also remember वो फोटो कौन सी थी. I think it was in a green sari. Yeah, it was this photograph that I'm going to show you. Right? You remember? Yeah. So अगर वो फोटो है तो हम स्क्रीन पे जरूर डालेंगे. तो ये फोटो मुझे सबसे पहले मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर ने थी और इसने मुझे बताया था कि हाँ, वी आर कंसिडरिंग हर फॉर द रोल. और मुझे नहीं पता था कि शांभवी कुछ शो में आई है. मुझे, मैंने रोडीज नहीं देखा था. मुझे पता था कि रोडीज नाम का शो आता है बट मैंने वो सीजन नहीं देखा था. फॉर आई डोंट नो व्हाई बट मैंने नहीं देखा था. मैं नहीं देखता बिकॉज़ यू आर वेरी फिल्मी, दैट्स व्हाई. यू नेवर यूज्ड टू वॉच रियलिटी शोज. नहीं बट या मुझे एक्चुअली उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी. मैंने नहीं देखा था. सो मुझे उसने बताया कि वो इस शो में आई है और वो आई थिंक नेक्स्ट डे यू वर सपोज टू कम एन ऑडिशन फॉर इट एंड शी वॉज सपोज टू ऑडिशन विद मी. क्योंकि मैंने हर एक लड़की के साथ ऑडिशन खुद किया था. क्योंकि हमेशा जब भी कोई लड़की आती थी ऑडिशन करने के लिए तो वो मुझे बुलाते थे फॉर टू सी द पेयर, यू नो. बट जब शांभवी ने ऑडिशन दिया तो मैंने उसके साथ ऑडिशन दिया ही नहीं. आई डोंट नो व्हाई बट उन्होंने मुझे उस दिन बोला कि, मुझे बुलाया उन्होंने और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हमने इस लड़की का ऑडिशन ऑलरेडी ले लिया है एंड आपकी, यू नो, वी डोंट नीड यू टू, यू नो, कम एंड ऑडिशन विद हर. एग्जैक्टली. सो व्हाट हैपेंड वाज दिस, जैसे मैं पहुंची प्रोडक्शन हाउस तो मेरे लिए इट वाज लाइक ओ माय गॉड बॉम्बे एंड वाज वेरी एक्साइटिंग एंड थिंग्स लाइक दैट. तो जैसे मैं पहुंची तो उन्होंने मेरे को चार पांच लाइंस दी. मेरे डैड बैठे हुए थे, उन्होंने मेरे को बोला कि आपको लाइंस पढ़नी है. लाइक अच्छा ना, वाज वेरी क्यूरियस कि भैया एक्टर कौन होएगा. होता ही है यार, एक्टर एंड एक्ट्रेसेस तो पता होता है कि एक्साइटमेंट होती है ना, कैसा एक्टर. तो उन्होंने 5-6 फोटोज दिखाई जिसमें we had Kadir Khan's son, we had Suraj and then we had couple of more characters. So उन्होंने ऐसे दिखाई तो मेरे को ऐसा लगा कि Kadir Khan का जो बेटा है, he is an actor opposite me. I was like, yeah, that's fine. Okay. कहते ये नहीं है, ये है. मैं देखा और सूरज का वो एक फोटो जिसमें वो ऊपर देख रहा है, ब्लैक टी शर्ट पहने. I was like, he's really good looking and I thought that he is really good looking. And but वो फोटो हमारे पास नहीं है. फोटो हमारे पास नहीं है. वो फोटो चोरी हो गई. Yeah, he had this.
विवेक ओब्रॉय जो साथी है में से इंटेंस लुक था वैसा उसने एक अमेजिंग सा डस्की सा फोटो शूट करा था. आई वाज लाइक वेरी इंप्रेस्ड एंड मैंने ऑडिशन दिया और ऑडिशन में उन्होंने मेरे को बोला कि कुछ भी करो. तो मैं स्टूपिड जैसे पता नहीं क्या एक दो डायलॉग बोल के और टैकबोंडो करके आ गई क्योंकि आई वाज टैकबोंडो में ब्लैक बेल्ट. तो वहां पे पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ और मुझे अभी भी हंसी आती है. आई वाज सो एंबैरस्ड बट दे लाइक माय इनोसेंस एंड मिसेस सुनील शेट्टी वाज देयर. ही सेड दैट इट्स रियली गुड एंड इट्स अ ग्रेट ऑडिशन. जैसे मैं बाहर आई एंड मैंने सूरज के साथ एक लुक शेयर करी. आई डोंट रिमेम्बर, मुझे याद नहीं है मैंने ऐसे कुछ किया. बट क्योंकि मैं ऑडिशन रूम के बाहर खड़ा था और वो सी थ्रू था डोर वहां से विंडो, तो मैंने शांभवी को देखा था. बट आई डोंट नो इफ यू नो, मैंने अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को ही बोला बिकॉज उसने मुझे बोला कि ये लड़की है. तो मैंने बोला यार ये तो इतनी छोटी सी है यार, ये हीरोइन कैसे बन गई, तो मेरे को 15 साल की लड़की लग रही है. डू यू रिमेंबर? आई रिमेंबर बिकॉज रोडीज नाउ इज वेरी थिन बट दे लाइक दैट. ओ मेरी डेस्टिनी थी दैट आई गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. बट मुझे याद और मैंने फिर बाद में जाके आई थिंक अपनी किसी फ्रेंड को इंडिया में कॉल किया कि हाउ आर द एक्टर्स एंड आई वाज लाइक दिस एक्ट्रेस गॉट सो मच ऑफ एटीट्यूड. He's giving me so much of attitude. Oh my God! And this guy doesn't even talk, but who cares? You know, I'm also Shambhvi. So I even did this. Phone pe apni friend ke sound like stupid. Actually, what happened was, uske baad I think when she got selected, how you got selected? Wo to pata. Jab you gave an audition, uske baad. Yeah. So I thought I'm not selected because I just did what taekwondo inside and blah 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 and pata nahi kya dance review and all. And they love this innocence and they were like, "Hey, she's so camera friendly." So mere ko wo tha ki theek hai. कैमरा तो मैं वैसे करके एक्ट करूंगी. हमें लगा कि आई एम नॉट सिलेक्टेड. तो मेरे डैड ने बोला कि बेटा कोई बात नहीं, आपने बेस्ट दिया अपना, चलो. जैसे हम फ्लाइट पे बैठे और हम मोबाइल स्विच ऑफ करने लगे तो हमें प्रोडक्शन से कॉल आया असिस्टेंट डायरेक्टर का कि शी इज बीन सिलेक्टेड एंड आई वांट टू कांग्रेचुलेट यू, पैक योर बैग, यू कम टू बॉम्बे. एंड आई एम सीइंग माय डैड लाइक दैट एंड ही इज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड. जैसे हम लैंड हुए मैंने मम्मा को बताया. मेरी मम्मा तो रोने लग गई है, बेटा तो कभी वापस नहीं आएगी, बेटी कभी वापस नहीं आएगी, चली गई बॉम्बे, मुंबई शहर, मुंबई में चली गई. अब तो ये मम्मा तो रोने लग गई है. I was like, चलो ठीक है and everything like that. फिर हम आए बॉम्बे and then I saw him first day in the office. Yeah, तो I think जब she came to Bombay, I think with her dad, तो next day वो office आई थी और मुझे भी उन्होंने बुलाया था और बाकी की cast भी थी वहाँ पे. So I remember कि first day फिर जब मैं office में उनके enter मैंने किया था, I was talking on the phone. He was talking to somebody on the phone and he was texting constantly. I was like, hi. Talking on the phone. और मैंने I think इसको hi बोला या नहीं बोला and I just walked past by. बात नहीं कर रहा ढंग से, मैंने बात खत्म करके फिर मैं नीचे आया. टू मेक योर को-एक्टर कंफर्टेबल, दैट्स अ फर्स्ट रूल. अरे बट I think so. I don't remember, but I think you were talking to someone. So I thought कि मैं अभी क्या जाके hello I बोलूँ. So I was talking on the phone. तो मैं बात खत्म करके नीचे आया. Then हमें मिलाया गया और that was the first meeting. First meeting like जो properly hi hello हुआ था, first time हुआ था उस वक्त. वो first था. So फिर वहाँ से हमारी workshop होने लग गई है. Then we started to meet. हम लोग workshops पे जाते. मतलब अंदर हम production house में ही जाते थे उनके and वहाँ पे ही workshops होती थी, directors और बाकी के cast होते थे. तो वो roles होने लगी. तो हम रोज मिलने लगे. हम रोज मिलने लगे एंड आई यूज्ड टू एंजॉय दिस टाइम. मेरे लिए तो बेस्ट था वो वक्त, इतना ब्यूटीफुल था. एंड मुझे याद है कि एक बारी सूरज वाज एट योर ड्रेस. तो मैं जो फिल्म का डिजाइनर था मैं उनके टूर में था. आई वाज मेबी ट्राइंग समथिंग और मुझे शांभवी का कॉल आया. आई डोंट नो हाउ यू गॉट माय नंबर. आई गॉट योर नंबर फ्रॉम द प्रोडक्शन. आई एम वेरी स्मार्ट. आई टेक द नंबर्स ऑफ पीपल दैट आई एम वर्क. तो क्या किया गया शांभवी ने, वो शांभवी बताएगी. तो मेरे को फोन आया बिकॉज ऑफ कोर्स मैं अनजान थी और मैं किसी प्रोडक्शन गाड़ी में नहीं जाना चाहती थी शूट पे. वो कहां जाना था, हमें लोकेशन पे जाके रिहर्सल्स करने होते थे रोज. सो दे यूज्ड टू से कि आप पहुंच जाओ अपने आप. तो मैं तो लोकल था तो मैं ऑब्वियसली गाड़ी में जाता था. हाँ, और ये एक्चुअली अकेला नहीं होता था, ये पांच लोगों को साथ लेकर जाता था. इसका बॉय होता था, एक ड्राइवर होता था और एक दो और एक्टर्स के जैसे कैरेक्टर आर्टिस्ट होते हैं वो लेकर जाता था. नहीं नहीं, जो मुझे पूछता था मैं बोलता था ठीक है चलो. I was a heroine, so I was like, Suraj, Shambhi. I was like, hi, phone pe baat karne mein bhi kitna rude hai ye. Hello, hi. Like that. So anyway, so jab... It was unexpected. Unexpected,
कनेक्टेड टू अ बॉम्बे बॉय एंड इट वाज अनएक्सपेक्टेड फॉर मी एज वेल कि मेरे को तेरा फोन आएगा मैं कहां से सोचूं मैं सो रहा हूं या तो किसी की सिचुएशन में होगा वो तो किसी के साथ व्हाट नॉनसेंस एनीवेज तो फिर मैंने फोन किया और मैंने सूरज को बोला कि सूरज हाउ आर यू गोइंग फॉर योर शूट टुमारो सो ही इज लाइक आई एम गोइंग बाय कार टेल मी आई वाज लाइक सूरज कैन यू ड्रॉप मी लाइक आई मीन कैन आई कम अलोंग विद यू बिकॉज़ आई एम न्यू हियर मेरे को सिर्फ 15 डेज हुए आए हुए कैन यू ड्रॉप मी ही सेड या 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 My dad had left and then I had a servant and all. Par nikal aaye the par. That's so cheap and sick. Never ever. I was like, can you drop me? Because yeah, I'm a very social person. I like making friends and I didn't have any friends and all. And फिर मैं सूरज को बोला कि तुम मेरे को छोड़ दोगे कहता हाँ हाँ definitely. तुम्हें काम करना तुम ना नीचे आ जाना building के sick man नीचे आ जाना building के I'll see you there. मैं जैसे तैसे पहुंची. It was very close. Whatever. हाँ मैं जैसे तैसे पहुंची उसके बाद फिर से मेरे को building के नीचे आया आराम से तैयार व्यार होके अपना आके फिर फ्रंट सीट पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ने लग गया प्रॉपर अपनी और वो 15 मिनट से मुझसे बात नहीं करी तो मैं वैसे चल ठीक है वो प्रे कर रहा है ठीक है मैंने नहीं बात करी उसके बाद पूरे रास्ते कोई बात नहीं आई वाज लाइक सो मच ऑफ एटीट्यूड मैं कहां फंस गई एटीट्यूड नहीं मैं थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं मैं थोड़ा शाय हूं मैं एकदम से नहीं ओपन हो पाता और शामू भी एकदम ऑपोजिट है उसको चाहिए कि मेरे से कोई फटाफट बात करे एग्जैक्टली बट सबके नेचर अलग होते हैं यार सब ऑब्वियसली जब तुम फर्स्ट टाइम मिलते हो तो अलग होते हो चौथी बार मिलते हो तो अलग होते हो दसवीं बार मिलते हो तो और अलग होते हो सो इट टेक्स टाइम सो हमारा वो आई थिंक ऑपोजिट नेचर ही था जिसने मुझे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट किया और ये पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ वो तो चलो बात की बात है रिजल्ट इज वी आर मैरिड गट्टू वी वर जस्ट शूटिंग एंड शूट्स करते 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 एक दिन ऐसा आया कि इसने सबसे पूछा आप ड्राइव पे चलोगे हम रात को पता नहीं इनके यहाँ पे क्या है तुम्हारा टाउन में कुछ ये भी भूल गया मैं नाम भूल गया हाँ तो वो मिलता है कुछ आई थिंक कोई जूस कॉर्नर है इनके हाजी अली के पास अमर जूस सेंटर होगा पता नहीं वहाँ पे तो कहता है हम वहां तक जा रहे हैं गुना को तो सबने मना कर दिया बैंड्रा कुछ भी टाउन हाँ मतलब इससे बोलता हूँ कुछ खाने जा रहे थे तो चलना है कर्सी से सबसे पूछा तुम्हें चलना है कोई दोस्त नहीं था कहाँ चलो ठीक है बट मे बी आई एम रॉन्ग बट थोड़ा तो यू यूज टू यू नो लाइक मी आई यूज टू लाइक यू आई वाज अट्रैक्टिव दिस वाज द रीजन कि उसने हाँ बोला था बिकॉज उसको थोड़ी सी लाइकिंग थोड़ी सी थी डेवलप हो गई थी इसको कोई लाइकिंग नहीं थी ही वाज वेरी लाइक जैसे पता नहीं किसी स्कूल में आ गए हैं हम सीन करेंगे हम इंटेंस काम करेंगे आई वाज थोड़ा सा फोकस्ड ही इज ऑलवेज सो फोकस्ड इसका ऐसा होता है कि घोड़े की तरह ब्लिंकर्स लगा ली ये टास्क करना तो ये टास्क करना है बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आए ही डजंट केयर गुड फॉर मी नाउ बट तो फिर हम ड्राइव पे गए कट्टू हम ड्राइव पे गए एंड मैं कहां लेके गया ड्राइव पे आप हम हाँ उसके बाद सूरज ने बोला कि माउंट मेरी चलते हैं सो माउंट मेरी इज अ चर्च इन बॉम्बे जिस जो बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं अगर आप नहीं हो बॉम्बे के तो आप जब भी जाओ सारे मुंबई कर सबको पता माउंट मेरी सबको पता जाते हैं जैसे कल्चर आप कैंडल खरीदते हो आप कैंडल जलाते हो जो मांगते हो आपको वो मिलता है और दैट्स हाउ इट इज इनोसेंट ब्रेन था हम सब बड़े यंग थे सबको एक बड़ा सही जा रहा था सो सूरज लाइक चल ठीक है लेट्स गो फॉर ड्राइव और मैं सूरज को मैं मन में बोलूं भाई ये हाथ नहीं पकड़ रहा ये कैसा है अजीब सा व्हाई इज ही नॉट होल्डिंग माय हैंड मैं गर्ल मैं ठीक तो लग रही ना देखने में बेसिकली वहां से थोड़ा थोड़ा सा कनेक्शन बनना शुरू हो गया था एंड क्योंकि फिर उसके नेक्स्ट डे से जब हम सेट पे जाते थे वी सैट टुगेदर वी स्टार्टेड टॉकिंग अ लॉट सो वो डेज एंड डेज पास हुए और फिर हम यू नो दोस्त थोड़ी गहरी होती गई दोस्ती एंड देन वी एंडेड अप फिर डेट भी करने लग गए व्हाट डेट मान लिया फिर हम जाते थे ग्रुप डेट्स पे तो मेरे फ्रेंड्स होते थे रोडीज के अनमोल प्रभजोत एंड दो तीन और फ्रेंड्स होते थे इसके फ्रेंड्स होते थे विशाल जैन और इसके फ्रेंड्स रोडीज वाले होते थे जिनको मतलब मैंने रोडीज देखा नहीं था तो मुझे नहीं पता था ये बोलते थे कि ये हमारे साथ शो में आए हैं और हम बाहर जाते थे तो लोग ऑब्वियसली सी वाज फेमस तो इसको पहचानते थे और मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या है and me and my friends Anmol and all we used to crack our jokes that girls used to say ki hai dekho attitude I was like kya attitude hai yaar jo bhi screen pe aata ho zaruri nahi uske paas attitude hota so we had started having this date and we had this big group hamara 15-20 logo ka group hota tha we used to go to parties and all so that's how we met to humne bahut partyan ki hai bahut night clubs mein hum ghume hain aur fir wo hote wo we started dating aur then we started dating aur then uske baad to the story is that we are in front of you and that's how it is anyway guys किसी को भी नहीं पता ये सबसे पहले आज आपके थ्रू हमारे पेरेंट्स को भी पता चलेगा
सो आई होप गाइस आपको हमारी ये छोटी सी क्यूट सी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। हाँ, और अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। अगर कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे, जैसे हमें पता है आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं लिखते, सारे कमेंट्स आप हमें हमारी पर्सनल या तो इंस्टाग्राम में करते हैं, अगर करते हैं प्लीज कमेंट करिए वीडियो में, सो उससे वील बी एबल टू मेक सम मोर वीडियोस फॉर यू। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।